दिल्ली भेजेंगे, एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है सब युवा शक्तियों ने। इजरार भाई ने मुझे इसके लिए जो है वो काफ़ी कि हमारा भी इसमें मॉरल सपोर्ट मिल जाए। वर्मा जी, पूरी टीम, सब लोगों को, पूरे स्टार कास्ट, सबको ढेर सारी बधाइयाँ। अब वो फिल्म चले, वो म्यूजिक सबको पसंद आए, अब सबको फिल्म पसंद आए, ये अपनी तरफ शुभकामना देता हूँ। अभी अभी बस आपके सामने ट्रेलर देखा है, और क्योंकि इसका जो म्यूजिक रिलीज है तो इसका हिस्सा होने का सौभाग्य मिला, उसको सब दोस्तों का प्यार मानता हूँ। और फिल्म जैसा म्यूजिक, अभी गाना या जो ट्रेलर है, अच्छा पॉजिटिव फील हुआ है, और दुआ करता हूँ कि अच्छी फिल्म लगे लोगों को, अच्छी फिल्म बने भी और लोगों को खूब मनोरंजन करे। मैं दिल्ली पढ़ा हूँ, मैं दिल्ली को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये 125 करोड़ लोग कह सकते हैं दिल्ली मेरे बाप की। बिल्कुल गलत हो तो उसकी सजा मिलनी ही चाहिए, और दिल्ली हमारा प्राउड है, हमारे देश का प्राउड है, और अगर कुछ ऐसी शर्मसार करने वाली घटनाएं जब भी होती हैं तो समाज हो या देश हो या कोई भी नेता अभिनेता या कोई भी नागरिक है जो इस देश को प्यार करता है, इस देश की मिट्टी में जन्मा है, दुख फील करता है और शर्म महसूस करता है, और वो प्रार्थना करता है कि जो लोग इस तरीके की बात सोचते हैं उनको सद्बुद्धि मिले, ताकि दिल्ली आगे बढ़े। दिल्ली आगे बढ़ेगी तो पूरा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि दिल्ली के संस्कार पूरी दुनिया में, पूरे देश में जो है प्रस्तुत होते हैं, और दिल्ली से बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं सब। जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली में आपने भी एजुकेशन किया है, तो क्या दिल्ली की मिट्टी में खास बात है? हर किसी को लगता है कि दिल्ली मेरे बाप की है। दिल्ली दिलवालों की है। दिल्ली से जुड़ी कोई मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगे? आपकी स्कूलिंग वहां से हुई, आप दिल्ली से बहुत इत्तेफाक करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मेमोरीज है जो शेयर करना चाहेंगे? अब अगर 18-20 साल की जर्नी को 2 मिनट बता पाना तो मेरे बस की बात नहीं है कि दिल्ली से आज 18-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ, एक माँ ने जन्म दिया, यूपी हमारी जन्मभूमि है, एक माँ ने जन्म जीवन दिया, महाराष्ट्र मुंबई हमारी कर्म भूमि है, और जन्म और जीवन के बीच में एक ऐसी दाई होती है जो पाल पोस के बड़ा करती है, और ताकि उसका जो बच्चा बड़ा हो तो पूरे देश में अच्छे से नाम रोशन कर सके, तो दिल्ली हमारे लिए दाई माँ है। अब इसकी तैयारी, फायर फाइटर की तैयारी है, अब इसी की शूटिंग की तैयारी है, बस इसी में थोड़े दिन से खोया हुआ हूँ फायर फाइटर। सुनते चलते आखिरी सवाल, राजपाल जी जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है। राजपाल को ये नहीं पता है राजपाल के मित्र कितने हैं, लेकिन राजपाल को ये पूरी तरीके से पता है कि राजपाल का दुनिया में कोई शत्रु नहीं है। आपका कहना चाहेंगे? यारों के यार है, छोटे भाई है, बस इतना प्यार है, मतलब हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर, हमेशा ऑलवेज एक मतलब एक आवाज पे चले आते हैं। तो क्या है कहानी? फिल्म टीनेजर की है, मस्ती है, जो आजकल 3 इडियट में कहते हैं मस्ती, वैसे मस्ती हीरो हीरोइन की है, वो डांसिंग है काफी अच्छा, और लड़के सब नए न्यू जनरेशन है और अच्छे डांसर्स है। अभी हमारे प्रोड्यूसर बताएंगे इसके बारे में। थ्रिलिंग मूवी विच हैज अ ग्रेट मैसेज, यू नो दैट ईगो मिस यूज ऑफ पावर एंड मनी विच इज मोस्ट कॉमन इन द यंगस्टर्स, यू नो दिस लाइफ, सो दैट इज वेरी डेंजरस इन लाइफ स्पेशली फॉर द सोसाइटी, so this evil has to go away somehow, so to help in that we have produced this movie which gives this kind of great message, and Dilli Mere Baap Ki is a great title, so everybody I think likes it, so there is nothing like it, that you know that Dilli is not Dilli ko promote guys, promoting all over India, is you know Dilli is capital of India, so it's promoting India, so this is a social message.
So social messages are always good to deliver. No, there is Dilli Mere Baap Ki is only a title. So this through this title we have delivered a great message, a good message. Message is that especially in the youngsters, they are unable to control themselves. They involve into different kind of evils. They do wrongful acts. To stop that, we have shown that parents should keep an eye and a little check. Of course, they have to deal with them friendly, be friends with them, with the children. But at the same time, they have to keep an eye, keep a little bit of touch so that they cannot lose their track. Music, it's a great music, great songs, title song is great, and here is our choreographer, it's great, he has done a great job, I'm very happy with that, it's, he has done a great job on that. कुछ भी नहीं क्राइम। तो क्या दिखाया आपने फिल्म में से? बस मैं तो डांस डायरेक्टर, मैंने अपने कोरियोग्राफी के हिसाब से ड्यूट सॉन्ग करवाया, आइटम सॉन्ग करवाया। आजकल बच्चे लोग का टीनेजर जैसे डांस करते गाड़ी पे उछल कूद, वो करवाया, वो मेरा काम है, वो मैंने करवाया। और इतना अच्छा गाने हुए, इतनी अच्छी म्यूजिक है इसमें, तो हमारे शशिपाल जी खास हमारे डायरेक्टर को बहुत अच्छे डायरेक्शन किए, बस तो यही है। कई जमाने से हैं आप, पुराने जमाने से साथ ही साथ हाथ बढ़ाना ऐसे फिल्म करते थे, हाँ दिल्ली मेरे बाप की, कलकत्ता मेरे अब्बा की, तो कैसे कैसे क्या कहना चाहेंगे ऐसे? अभी चालू होएगा, अच्छा है ना, सब अपने नए नए लोग टाइटल ढूंढ रहे, अभी सब पाकिस्तान पे टाइटल ढूंढ रहे, अभी सब टाइटल पाकिस्तान पे ढूंढ रहे, ये तो दिल्ली पे है, दिल्ली अपने बाप की मतलब अपनी दिल्ली है, तो ये टाइटल तो बहुत अच्छा है। लास्ट इज यू नो आई जस्ट वांट टू से कि आई जस्ट हैड अ ग्रेट पैशन इनटू बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, सो आई जस्ट फ्रॉम लॉन्ग टाइम आई एम एन आई यू नो बेस्ड इन कैनेडा, सो सेटल्ड देयर फ्रॉम 1981, but I was keeping in touch with the Bollywood industry for a long time. I did in hospitality industry as entrepreneur and different ventures in Canada successfully. But I have created a good network here. It's a great big studio in Chandigarh. So this has all kind of pre-production, production, post-production, even shooting, scenic sites, you know. I have created this network. I have my own. And eventually I have done few short films, documentaries, you know, this is my first film under Kainam movie production is my company. ऐसे प्रोड्यूसर आने चाहिए इंडस्ट्री के लिए, नई नई पिक्चर के लिए ऐसे प्रोड्यूसर की जरूरत है आज इंडस्ट्री को खड़े करने के लिए. And soon I am starting Kainam Film Institute which will give all technical and acting classes for all ages. So that it can give a little bit help in the industry. Any non-trained people should come into the film industry. बहुत खुश हैं हम लोग कि आज हमारे फिल्म का ऑडियो रिलीज है और हमने इस फिल्म में काम किया. मैं इस फिल्म के बारे में टाइटल से ही आप लोग समझ गए होंगे, हमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है इस फिल्म के लिए. ऐसा नहीं है कि हम हमारे लिए बोल रहे हैं कि दिल्ली हमारे बाप की. बेसिकली दिल्ली में ज़्यादातर लोगों को लगता है कि दिल्ली हमारे बाप की है, तो यही हमने उनको बताने की कोशिश की है कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं है. जी अब ऑब्वियसली हीरोइन है तो लटका झटका तो होगा, बट मेरा किरदार इसमें एक जर्नलिस्ट का है और किस तरह से मैं एक स्टिंग ऑपरेशन करके जो विलेन है उसका पर्दाफाश करती हूँ सब मीडिया के सामने, पुलिस के सामने, और उसको रियलाइज़ कराती हूँ कि दिल्ली तुम्हारे बाप की नहीं है. मेरा भी बहुत अच्छा है, मैं एज अ फ्रेंड का किया है मैंने,
और जैसे इनके साथ किया है तो बहुत अच्छा लगा मुझे. जैसे कि हमारा एक दो सीन है जो मुझे इनके साथ बहुत अटैचमेंट हुई है. हमारा एक सीन था जैसे कि हमारा चोर मेरा पर्स चोरी हो जाता है तो मैं भागती हूँ और मंदिर में ही होते हैं तो इनके साथ मेरी आमना सामना टक्कर होती है और हम एक दूसरे को देखते हैं. बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के. फिर हमारी वो आगे की बात चलती है कि उनके बारे में ये स्टोरी बताते हैं कि आगे क्या हुआ था उनके फ्रेंड के बारे में. तो मैं इनसे पूछती हूँ कि कैसे वो फिर बताते हैं मुझे कि ऐसे ऐसे हुआ. बाकी तो सारी हम मूवी में बताएंगे आपको कि सीन में क्या हुआ. अगर हम पहले बता देंगे तो वो मज़ा नहीं रहेगा. तो फिर आप फिल्म नहीं देखेंगे. फिल्म स्टोरी को अगर यहाँ पे देख लोगे तो फिर आगे जाओगे नहीं तो हाँ वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी. हाँ जी बिल्कुल उसी से प्रेरित है. एक लेसन है फिल्म में कि आए दिन जैसे हम सब सुनते हैं कि दिल्ली में ये हो रहा है ये रेप कोई इसी के बेस पे ये फिल्म है. और फिल्म में बहुत अच्छा लेसन है. मैसेज दिया गया है कि जैसे लड़कियां होती हैं उनमें अगर हम इस मूवी में बताया दिया जाएगा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें तो वो जैसे कि ऑडियंस है वो सारा देखेंगे कि कल्चर को. जैसे पुलिस वाले होते हैं वो ध्यान में मैसेज देखेंगे और रीड करेंगे कि ये बात हमारे ऊपर भी दी गई है. सबके ऊपर वो मैसेज दिया गया है. जैसे कि वो थोड़ा ध्यान दे के आगे से वो करने से पहले वो आगे से ध्यान देंगे कि ये चीज करेंगे तो ऐसा हो सकता है तो कि हमारे कांड के ऊपर पिक्चर आ गई तो डेफिनेटली वो सोचेंगे. संदीप कुमार का भी इसमें पर्दाफाश किया गया. संदीप कुमार कौन है? आम आदमी पार्टी के. नहीं नहीं ऐसा ये सब हमने किसी को किसी में वो नहीं किया है. हमने ऐसा कुछ नहीं है. नॉर्मल है. उसने टारगेट हमने किया है कि जो क्राइम हो रहा है किस तरह से उसको रोके उसके ऊपर हमारा टारगेट है. बाकी किसी का ऐसा कुछ ऐसा किसी पे ब्लेम लगाना वो चीज नहीं है. कौन है मैं जानती ही नहीं हूँ कौन है. उम्मीद है इस फिल्म से. बहुत हर बंदे को उसकी फिल्म से बहुत उम्मीद होती है. बाकी तो ये सब ऑडियंस पे डिपेंड है कि उनको ये फिल्म कैसी लगती है. सॉन्ग्स हैं उसमें किया बहुत जितने सॉन्ग्स हैं हमारे बहुत हमने पूरी कोशिश की पूरी मेहनत की है कि हम अच्छी फिल्म तैयार कर सके. बाकी तो डिपेंड ऑडियंस पे है कि वो कितना पसंद करते हैं इस फिल्म को. क्यों जाए वेल दिल्ली के लोग तो क्यों जाएंगे. वो तो जाएंगे ऑटोमेटिकली. एक बार तो सोचेंगे कि क्या है इस फिल्म में दिल्ली मेरे बाप की तो हम देखने जाए. बाकी लोगों को भी जाना चाहिए क्योंकि हमने एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है. तो हमने इतनी मेहनत की है तो हमारी मेहनत देखने के लिए सबको जाना चाहिए. और हमेशा सब ने हमको अपना प्यार आशीर्वाद दिया है तो इसके सक्सेस के लिए भी हमें आप सबका प्यार और आशीर्वाद चाहिए. तो डेफिनेटली सबको एक बार जाना चाहिए. थैंक यू सो मच. बहुत ख़राब हुई हुई है उनको सुधरना चाहिए. और सबकी बेटी को अपनी बहन के समान समझना चाहिए. जो गलत काम करते हैं जब भी उनको पता है इसका रिजल्ट मंदा ही होएगा फिर उनको अभी के लिए नहीं उनको आगे के लिए सोचना चाहिए. जी जो एक्ट्रेसेस की दिल्ली मेरे बाप की उन्होंने कॉल किया मुझे. उन्होंने कॉल किया मुझे और बोला कि एक गाना है तुम्हारे लिए जो तुम्हारे लायक है कर सकते हो तो देख लो सुन के. तो फिर मैंने उस गाने के लिए शशि से बात की. शशि से मिला जो डायरेक्टर है इस फिल्म के और मुझे गाना पसंद आया. तो फिर हम लोगों ने फिर दो दिन के बाद शूट कर लिया. और बेस्ट विशेस टू शशि जी फॉर दिल्ली मेरे बाप की. और बाकी मेरा तो इसमें किरदार यही है कि मैंने एक प्रमोशन सॉन्ग किया एक मूवी के लिए. चकाश सर सामने सर सामने यस मैम यस यस सामने सर सामने छोटा ग्रुप रहा. राजपाल जी क्या